हेलो सुपर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आई एम देवोश्मिता मैम और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ बच्चों के स्कूल एडमिशन के टाइम पेरेंट्स का जो इंटरव्यू होता है उसी बारे में। बच्चों का इंटरव्यू जितना इम्पोर्टेंट है, पेरेंट्स का भी इंटरव्यू उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम लोगों को अच्छे से तैयारी करके जाना पड़ता है इंटरव्यू के लिए। बेसिकली ये इंटरव्यू एक इंटरेक्टिव सेशन जैसा होता है। स्कूल वाले देखना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ कितना ज़्यादा अटैच्ड हो, उन लोगों को कितना समझते हो और आप लोग अपने बच्चों के एडुकेशन के बारे में कितना ज़्यादा सीरियस हो, उन लोगों को कितना सपोर्ट कर सकते हो, टाइम कितना उन लोगों को दे सकते हो उनके असाइनमेंट के लिए, उनके प्रोजेक्ट्स के लिए, उनके स्कूल होमवर्क्स के लिए, ये सब चीज़ों के लिए आप लोग कितना टाइम दे सकते हो उन लोगों को और आप लोग फाइनेंशियली उसको कितना सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप उन लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हो तो आपके घर पे ऐसा कोई है जो उन लोगों को इनफ टाइम देके उन लोगों को सपोर्ट करेंगे? ये सब चीज़ें देखने के लिए ही ये इंटरेक्टिव सेशन का अरेंज किया जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों को कुछ जनरल टिप्स देने वाली हूँ जो टिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहले तो इंटरव्यू के दिन हम लोग कौन से ड्रेस पहनेंगे इसके ऊपर आप लोगों को बहुत ही फोकस डालनी पड़ेगी। हम लोगों को कभी भी कोई तामझाम वाला ड्रेस पहन के नहीं जाना है, कुछ ज़्यादा सज सवर के नहीं जाना है, कुछ भी फॉर्मल ड्रेस, कुछ भी सोबर सा पहन के जाना है। इससे इम्पैक्ट अच्छा आता है। सेकेंडली, जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए आपको उसका आंसर बहुत ही कामली देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हाइपर होके या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके हम लोग आंसर नहीं करेंगे। इससे उन लोगों को ऐसा लगने लगता है कि आप लोगों के साथ साथ आप लोगों का बच्चा भी इतना ही हाइप पर या फिर इतना ही एक्साइटेड होगा। नंबर 3, आप लोगों को बहुत ही टाइम मेंटेन करके जाना पड़ेगा। जो भी टाइम स्लॉट आप लोगों को दिया गया है उसको अच्छे से मेंटेन कीजिए। लेकिन मुझे लगता है जो टाइम स्लॉट आपको दिया गया है उससे पहले ही आप जाइए। बिफोर टाइम जाना बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपको थोड़ा सा मेंटल प्रिपरेशन का भी टाइम मिल जाएगा। नंबर 4, आप जो भी क्वेश्चन का आंसर दो बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ आपको आंसर देना पड़ेगा। अगर आप ऐसे आंसर दोगे कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, आप अगर ऐसे आंसर दोगे तो वो लोग भी कंफ्यूज होंगे और आप लोगों का आंसर भी उन लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो चलिए इस वीडियो को आगे लेके जाते हैं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कौन कौन से क्वेश्चन और आंसर के ऊपर आप लोगों को जोर डालनी पड़ेगी। इसका मतलब आप लोगों को तैयारी करके जानी पड़ेगी कौन कौन सा क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मदर्स को ही किया जाता है। मदर्स वर्किंग है या फिर हाउसवाइफ है, ये जानना उन लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा अटैचमेंट बच्चे का मम्मा के साथ ही होता है। इसीलिए मदर बच्चे को कितना टाइम दे पाएंगे यही जानने के लिए ये क्वेश्चन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एडुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। मदर और फादर दोनों को ही ये क्वेश्चन किया जाता है। बच्चे को वो लोग कितना एडुकेशन में हेल्प कर पाएंगे यही देखने के लिए ये क्वेश्चन किया जाता है। अब आएगा क्वेश्चन प्रोफेशन के ऊपर। मम्मा और पापा क्या काम करते हैं, अगर वो लोग वर्किंग है तो कहाँ पे काम करते हैं, ये जानने के लिए वो लोग ये क्वेश्चन करते हैं। बेसिकली आप लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस जानने के लिए ही ये क्वेश्चन किया जाता है। अब आता है क्वेश्चन फैमिली मेंबर्स के ऊपर। आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो या फिर आपका फैमिली ज्वाइंट है, यही जानने के लिए क्वेश्चन किया जाता है। बेसिकली आपके एब्सेंस में बच्चे को और कौन एडुकेशन में हेल्प कर सकता है यही जानने के लिए ये क्वेश्चन किया जाता है। इसके बाद बच्चों के बारे में क्वेश्चन किया जाता है। बच्चे को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, उसकी हॉबीज क्या क्या है, ये सब पूछा जाता है। फादर्स और मदर्स दोनों को ही अलग से पूछा जाता है। बच्चे को क्या करना पसंद है, व्हाट डज योर चाइल्ड लव्स टू डू, ये भी पूछा जाता है। बेसिकली बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में जानने के लिए ये क्वेश्चन किया जाता है। बच्चे के बारे में सबसे कॉमन क्वेश्चन जो किया जाता है लगभग हर एक स्कूल में वो है, इज योर चाइल्ड पॉटी ट्रेंड। बच्चा पॉटी ट्रेंड है या नहीं आपको फ्रैंकली बोल देनी चाहिए। अगर वो है तब भी बोल देनी चाहिए, अगर वो पॉटी ट्रेंड नहीं भी है तब भी फ्रैंकली बोलना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है वो है, डू यू हैव अदर चाइल्ड। बच्चे को आप कितना टाइम देते हो घर पे, यूजुअली उसके ग्रोइंग में, उसके एडुकेशन में आप कितना टाइम देते हो उसको, यही जानने के लिए ये क्वेश्चन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, हाउ डू यू टीच योर चाइल्ड अबाउट गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स।
बच्चे को आप कुछ भी अच्छा चीज किस कैसे कौन से तरीके से सिखाते हो ये जानने के लिए ही वो लोग ये क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हर स्कूल में पूछा जाता है, व्हाई डिड यू चूज आवर स्कूल। यहाँ पे स्कूल के बारे में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स आपको बोलनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आप बोल सकते हो कि घर के पास है मेरा ये स्कूल तो आने जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर स्कूल के बारे में आप अच्छे से इंटरनेट से रिसर्च करके भी जा सकते हो। इसके साथ साथ पूछा जाता है, हैव यू अप्लाइड फॉर योर चाइल्ड्स एडमिशन इन एनी अदर स्कूल। आप कोई दूसरे स्कूल पे अप्लाई किए हो या नहीं ये पूछा जाता है। आजकल कोई भी एक ही स्कूल के भरोसे में नहीं रहता है, तो आप बिना झिझक के फ्रैंकली बोल सकते हो कि आपने कोई दूसरे स्कूल पे अप्लाई किया है या नहीं, ये बोलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद पूछा जाता है, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विथ योर चाइल्ड। इसमें आप बोल सकते हो कि ऑफिस से आके हम लोग उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं, उसको रात में सोने के टाइम बेड टाइम में उसको स्टोरीज सुनाते हैं, या फिर वीकेंड में हम लोग उसको घुमाने लेके जाते हैं, एडुकेशनल टूर में लेके जाते हैं। इस तरीके से आप उन लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू एस्पायर योर चाइल्ड टू बिकम। इसमें आपको बोलना है, एज पर हीज और हर चॉइस एंड इंटरेस्ट, वो लोग कुछ भी बन सकते हैं, हम लोग उनको इसमें सपोर्ट करेंगे, यही आपको बोलना है। अपने बारे में और अपने बच्चों के बारे में जितना ज्यादा हो सके अच्छे से फोकस करके सोच के जाना पड़ेगा आप लोगों को, ताकि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ही कामली और कॉन्फिडेंटली दे पाओ। इस वीडियो में मैंने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया है उन सब क्वेश्चन के आसपास ही आपका सारा क्वेश्चन होगा, तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों को अच्छे से कॉन्फिडेंस दीजिए और अपने आप को भी अच्छे से कॉन्फिडेंट बनाने की कोशिश कीजिए इस इंटरव्यू के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।